हम सभी को ये बात पता है कि 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके बाद सोवियत संघ बना था। अब सोवियत संघ 15 राज्यों का एक ग्रुप था जो कि 1991 में आकर टूट गया था। अब 1991 वो टाइम है जब सोवियत संघ बिखर गया। तो अब जब सोवियत संघ बिखरा, उसके बिखरने के बाद यहाँ के देशों ने अपना जो दूसरा ग्रुप बनाया वही है CIS, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, हिंदी में बोलेंगे स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। सोवियत संघ के टूटने के बाद क्या हुआ, 15 राज्य बिखर गए। 1991 में क्या हुआ, जो सोवियत संघ के 15 गणराज्य थे वो अब गणराज्य नहीं रहे, वो अब अलग अलग देश बन गए, यानी कि वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गए। तो जब ये 1991 में सभी इंडिपेंडेंट हुए तो इनमें से सबके पास अपने अपने ऑप्शन थे, जो भी जो तरीका अपनाना चाहे उस तरीके से अपने देश को आगे चला सकता था। सोवियत संघ के बिखरने के बाद 15 में से 3 देश ऐसे थे जो कि CIS में शामिल नहीं हुए, बाकी जो 12 देश बचे थे वो CIS में शामिल हुए। देखो 3 देश कौन कौन से हैं, ये यूरोप में जो देश पड़ते हैं 3, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों के तीनों देश सोवियत संघ में नहीं मिले। 8 दिसंबर 1991 को रूस, बेलारूस और यूक्रेन, इन 3 बड़े देशों ने मिलकर क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है CIS। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को बनाने में 3 मेन देश हैं, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। अब ये तीनों ही बड़े देश थे सोवियत संघ के, जो कि पहले कभी एक साथ हुआ करते थे। अब सोवियत संघ बिखर गया तो 15 के 15 देश भी बिखर गए, पर बिखरने के बाद भी इन्होंने एक प्लानिंग की कि हम अब साथ मिलकर काम करेंगे, पहले जैसी बातें नहीं होंगी, जैसे कि पहले कम्युनिस्ट पार्टी का रूल हुआ करता था, एक ही पार्टी संभालती थी पूरे सोवियत संघ को, ठीक है, पूरे पे मतलब 15 के 15 देश एक साथ काम करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब सारे देश अलग अलग हो गए, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पॉलिटिक्स संभालेंगे, अपना अपना देश संभालेंगे, अब वो गणराज्य नहीं रहे, अब वो क्या बन गए, एक आज़ाद देश बन गए। पर कुछ मामलों में जैसे कि व्यापार होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि तरक्की में हमारे काम आती हैं, तो उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। सोवियत संघ जैसा ये नहीं है, पर व्यापार को लेकर और आपसी जो है दोस्ती को लेकर इन्होंने अपना ग्रुप बनाया जिसका नाम है CIS। अब देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे ग्रुप है, जैसे कि यूरोपीय यूनियन भी है जो कि यूरोप वाले देशों ने बनाया है, ठीक है, हमारे एशिया में भी ग्रुप हैं जैसे कि आशियान है, और हमारा भारत वाला ग्रुप है जिसका नाम है SAARC। तो हमने भी ऐसा ग्रुप बनाया है, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं। तो ऐसे ही जो सोवियत संघ के टूटे हुए देश थे उन्होंने भी अपना ग्रुप बनाया जिसका नाम है CIS। अब आपको इसके मेंबर याद रखने हैं और डेट याद रखनी है, 8 दिसंबर 1991 को इसे बनाया गया है, रूस, बेलारूस और यूक्रेन इसके फाउंडर मेंबर हैं। अब इसमें और कौन कौन से देश शामिल हुए वो भी आपको पता होने चाहिए, 3 तो यही हो गए, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। उसके बाद इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 8 देश अलग से शामिल हुए। तो 8 ये थे और 3 पहले से ही हैं, तो 8 और 3 11 देश हो गए। उसके बाद 1993 में जॉर्जिया इसमें शामिल हुआ, तो CIS बना है 1991 में, 1991 में, और 1993 में जॉर्जिया इसमें शामिल हो गया। तो इस तरीके से 12 देशों का ग्रुप बन गया CIS। अब जो कभी सोवियत संघ में 3 देश और हुआ करते थे, टोटल 15 थे ना, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने क्या किया, अपने आप को इस ग्रुप में शामिल नहीं किया, वो लोग मिले यूरोपियन यूनियन में। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 देश शामिल नहीं हुए CIS में, ये शामिल हो गए जाकर यूरोपीय यूनियन में और अमेरिका वाले ग्रुप नाटो में। तो यूरोप के देशों के साथ और अमेरिका के देशों के साथ इन्होंने अपने रिलेशन बनाए। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो कि कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, ये CIS में शामिल नहीं हुए। इन तीनों को आप याद रखना, इसमें शामिल कितने हुए, 12 देश शामिल हुए, इन 12 के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और ये डेट आप लिख लेना, 8 दिसंबर 1991। CIS एक ऐसा ग्रुप है जो कि रूस, बेलारूस, यूक्रेन, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, इन देशों ने मिलकर बनाया, और इसका काम है आपसी व्यापार को बढ़ाना, आपसी प्यार प्रेम को बढ़ाना, आपसी दोस्ती को बढ़ाना, यही था हमारा CIS। अगर आपने CIS समझ लिया
तो आप ये भी समझ जाओगे कि यूक्रेन और रूस में विवाद क्यों रहा। अब तक हमने सारी बातें पढ़ी हैं कि कैसे सोवियत संघ बना था, कौन कौन से उसमें देश थे और क्या क्या प्रॉब्लम आई सोवियत संघ के सामने, और फिर सोवियत संघ टूटा कैसे, ये सारी बात अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो एक बात हमें पता चली कि रूस और यूक्रेन जो है दोनों शुरू से ही एक साथ हैं। तो रूस और यूक्रेन में विवाद क्यों बढ़ रहा है? देखो 1991 का जो टाइम आया, इसमें क्या हुआ है, इसमें जो है सोवियत संघ बिखर गया, रूस अब बड़ी पावर नहीं रहा, जो इनकी विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा वो पावर में नहीं रही, पूरी दुनिया में अमेरिका का नाम चलने लगा, अमेरिका का डंका बजता है पूरी दुनिया में। तो इस वजह से अब सभी देश समझ चुके थे कि अब हमें कैपिटलिज्म को ही फॉलो करना पड़ेगा, पूंजीवाद को ही फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए जो यूक्रेन है उसने अमेरिका से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। अब यहीं से दिक्कत शुरू हो गई रशिया को। देखो रशिया जो है वो बिखरा है, यानी सोवियत संघ जो है वो बिखरा है, किस वजह से, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई थी। तो 1990 के टाइम पे तो रशिया कुछ भी बोल नहीं पाया क्योंकि उसके खुद के ही बुरे हाल थे, वो अपनी ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लगा हुआ था। तो उसके बाद जैसे अब जो टाइम है, अब मॉडर्न टाइम में जो है रशिया ने अपनी इकोनॉमी को दोबारा से पहले जैसे कर लिया है, ठीक है। अब रशिया एक बहुत पावरफुल देश है दोबारा से, तो रशिया अब जो है वर्ल्ड लेवल पर दोबारा से इंटरफेयर कर रहा है और यूक्रेन में भी वो इंटरफेयर कर रहा है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि रशिया और यूक्रेन में विवाद क्यों हो रहा है, ये दोनों तो दोस्त हुआ करते थे, एक ही ग्रुप के मेंबर थे कभी सोवियत संघ के। अब यूक्रेन जो है वो देखो यूरोप में पड़ता है, बिल्कुल यूरोप में अंदर आधा घुसा हुआ है यूक्रेन। अब यूक्रेन एक ऐसा देश है जो कि रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रशिया जो है शुरू में आज़ाद हुआ था, जब कभी सोवियत संघ हुआ करता था, उस टाइम पे जो लेनिन थे, व्लादिमिर लेनिन, जो कि सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति बने थे, तो सोवियत संघ के जो मेन हेड थे लेनिन, उन्होंने भी कहा था उस टाइम पे ही, यूक्रेन को गंवाना ऐसा होगा जैसे कि हमने अपने शरीर से सिर को ही गंवा दिया हो। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यूक्रेन रशिया के लिए। अब यूक्रेन जो है 1991 के बाद ज़्यादा किसकी फेवर में जा रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के फेवर में, नाटो के फेवर में, अमेरिका के फेवर में और यूरोप के फेवर में। अब इस बात से रशिया चिढ़ने लगा बहुत, किससे, यूक्रेन से। अब सोवियत संघ के टूटने के बाद पश्चिमी देशों से ज़्यादा अच्छे रिलेशन बना लिए किसने, यूक्रेन ने। यूक्रेन हमें पता है CIS का मेंबर बना, पर इसने अपने लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे। यूक्रेन जो है वो कुछ चीज़ों में ही CIS से ताल्लुक रखता है, CIS जो है उसमें कुछ ही चीज़ों के लिए वो मेंबर है। तो हम कह सकते हैं कि यूक्रेन जो है वो CIS का भी परमानेंट मेंबर नहीं है, कुछ ही मामलों में वो CIS से रिलेशन रखता है अपने। उसके बाद रूस ने नाटो को बहुत बार कहा है कि उसे अपने सीमा में रहना चाहिए, जैसे कभी पहले 1990 के टाइम पे हुआ करता था, नाटो को पीछे रहना चाहिए, नाटो को यूक्रेन जैसे देशों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूक्रेन बिल्कुल रूस से टच है, एक ही हुआ करते थे कभी ये, तो बिल्कुल दोनों साथ में लगे हुए देश हैं। तो ये एक रीज़न है जिससे रशिया नाटो का बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं चाहता, किस में, यूक्रेन में। अब यूक्रेन जो है वो बिल्कुल पल्लू के बंधना चाहता है नाटो के, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो आज़ादी है, वो अमेरिका जैसे देश ही बचा सकते हैं, यूरोप के बड़े देश ही बचा सकते हैं, इसीलिए उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। दो ही ऑप्शन थे, एक तो रशिया से मिल जाए या एक नाटो से मिल जाए। तो अब उसको नाटो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है क्योंकि रशिया से अलग होना चाहता है यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेनियन लोग जो हैं उनका कल्चर रशिया से डिफरेंट है, वो रशिया के साथ शामिल नहीं होना चाहते, और आज का जो वर्ल्ड है वो भी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, आज के टाइम पे अमेरिका का ही दबदबा है और जो है साम्यवादी तरीके से चीज़ें नहीं चल सकती। तो यूक्रेन जो है वो रशिया से अलग रहना चाहता है, इसीलिए वो नाटो में शामिल होने की पूरी कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब रूस के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये यूक्रेन? अब यूक्रेन में देखो क्या है, यूक्रेन में तेल के बहुत भंडार हैं, यानी तेल के बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे तेल निकलता है। अब यूक्रेन में ही एक जगह हुआ करती थी क्रीमिया, बिल्कुल नीचे देखो आप मैप में, ये जो एरिया है ये है क्रीमिया। तो क्रीमिया पे 2014 में रशिया ने अटैक कर दिया था और इसे अपने कब्जे में ले लिया था। फिलहाल में क्रीमिया जो है वो रूस के ही अंडर में है। तो 2014 में रूस ने अटैक किया था और तब से लेकर अब तक लगातार छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती थी यूक्रेन के साथ। तो क्रीमिया पर कब्जा तो रूस ने कर लिया,
अब और भी एरिया पर रूस कब्जा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो में मिले, वो नहीं चाहता कि यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने रिलेशन बनाए, वो नहीं चाहता कि यूक्रेन यूरोप में शामिल हो, यूरोपीय यूनियन का मेंबर बने। रूस चाहता है कि पहले की ही तरह यूक्रेन उसके साथ मिल जाए, क्योंकि यूक्रेन में तेल के भंडार हैं और जो ये क्रीमिया है, क्रीमिया से पूरे यूरोप में तेल सप्लाई होता है। इसीलिए रूस जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यूक्रेन पे और क्रीमिया पे किसी भी तरीके से यूरोपीय देशों का इंटरफेयर हो। वो चाहता है कि यहाँ पे उसी का कंट्रोल बना रहे। अब दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका वाले देश हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से रूस को रोका जाए, यूक्रेन को अपने साथ मिला लिया जाए। इसीलिए बार बार क्या हो रहा है, अमेरिका और ये जितने भी यूरोप के देश हैं सारे पैसा भेज रहे हैं यूक्रेन को। तो इस लड़ाई में पूरा सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका से और यूरोप के देशों से यूक्रेन को। पैसा मिल रहा है, हथियार मिल रहे हैं, हर तरीके से हेल्प मिल रही है। तो अब आपको ये बात समझ में आई कि जो रशिया है वो यूक्रेन पर कब्जा इसीलिए रखना चाहता है क्योंकि उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे भी क्या हुआ था, जब रशिया को घेर लिया गया था तो इसी एरिया से उसने डिफेंस किया था, यूक्रेन वाले एरिया से, क्योंकि उस टाइम पर तो ये रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था। रशिया को पता है यूक्रेन की वैल्यू, ठीक है, और यूरोप के देशों में और रशिया में जो है बफर स्टेट का काम करता है यूक्रेन, ठीक है, बीच में पड़ता है ना, तो ये मदद करता है किसी भी हमले को रोकने में। इस वजह से रशिया जो है पूरी कोशिश कर रहा है कैसे भी यूक्रेन पर हम अपना कब्जा बना लें। तो हमने यहाँ पे ये भी समझ लिया कि रूस और यूक्रेन में विवाद क्यों चल रहा है, इसकी जड़ें कहाँ पे हैं। इसकी जड़ें सोवियत संघ से ही चलती हैं। जब सोवियत संघ बिखरा, बिखरने के बाद यूक्रेन के रास्ते अलग हो गए रूस से बिल्कुल। उस टाइम पे तो रूस ने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि रूस उस टाइम पे इतनी बड़ी पावर नहीं था, वो बिखर गया था, उसको अपनी इकोनॉमी संभालने में टाइम लगा। पर आज के टाइम पे रूस दोबारा से एक वर्ल्ड पावर है और आज ये इंटरफेयर कर रहा है यूक्रेन में। तो ये था हमारा CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये कब बना है, सोवियत संघ के टूटने के बाद बना है। 8 दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस, यूक्रेन ने इसे बनाया है। इसमें टोटल 12 मेंबर थे उस टाइम पे जब ये बना। 1993 में जॉर्जिया इसमें शामिल हो गया था, टोटल इसमें 12 मेंबर हो गए थे। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों देश ये इसमें शामिल नहीं हुए, ये तीनों के तीनों यूरोपीय यूनियन और नाटो में शामिल हुए। क्लियर, तो ये था हमारा CIS। अब आगे देखते हैं इसके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, क्यों ये बनाया गया, क्या इसके पर्पज़ हैं। ये हमारा न्यू एडिट टॉपिक है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अभी 2022 में लड़ाई भी चल रही है रूस की और यूक्रेन की, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर में भी ये लड़ाई बदल सकती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए, तो इसे आप अच्छे से पढ़ना। आपके एग्ज़ाम में रूस और यूक्रेन के बारे में नहीं पूछेंगे ज़्यादा, ठीक है, आपके सिलेबस में अभी ये नहीं है, आपको बस ये समझना है। पर CIS जो है ये आपके सिलेबस में ऐड हो चुका है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जितनी भी डेट ये लिखी हुई आई थी, जितने भी इसके मेंबर थे, ये सारे आपको लर्न करने हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। इस वीडियो से आपको क्या है CIS, कब ये बना, कौन से इसके मेंबर्स हैं और क्या इसके उद्देश्य हैं यानी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए।